नमस्कार, मेरा नाम सुधीर कपूर है और वेलकम टू लाइफ पेज। लाइफ पेज में आपका स्वागत है। आज मैं जो पॉलिटिक्स है इंडिया की, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। चाहूँगा कि इंटरमीडिएट के बाद मेरा जो बचपन से मन था कि मैं बिजनेस करूँगा, तो कई जगह मुझे ऑफर आए सरकारी नौकरियों पे भी उस समय, और मन सिर्फ बिजनेस करने का था। तो मैंने सबसे पहले कुछ वो भी करी है, कई जगह जॉब की है मैंने। ईगल कस्टमर्स प्राइवेट लिमिटेड में मैं सेल ऑफिसर रहा, नेस्ले इंडिया में सेल्स ऑफिसर रहा देहरादून, और उसके बाद मुझे अपना एक दूसरा बिजनेस मैंने शुरू किया जिसमें टी एंड स्पाइसेस का बिजनेस था जायका के नाम से। पॉलिटिक्स में क्या है कि सबसे पहले आपको लोगों की मदद करने का एक वो होना चाहिए, सोशल वर्किंग का एक आपके मन में होना चाहिए। अगर है देश सेवा की भावना है, जन सेवा की भावना है, तो आप ऑटोमेटिकली पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुअली पॉलिटिक्स क्या है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। राजनीति, पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति। राजनीति क्या है कि हमारे समाज में और हमारे देश में कई तरीके के लोग हैं, कई तरीके की गतिविधियां संचालित होती हैं, और जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान है, उस संविधान को पढ़कर उस संविधान के तहत हम लोग ये कोशिश करते हैं सभी राजनेता कि आम जनता जो है, जो सारे लोग भारतवासी हैं, उन सबको उस संविधान के बारे में बताया जाए। और उस देखिए राजनीति में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हर पार्टी का अपना संविधान होता है, बीजेपी का अपना पार्टी संविधान है और समाजवादी पार्टी का अपना है, कांग्रेस का अपना है, हर पार्टी का एक अपना वो होता है, मत होता है, एक विचारधारा होती है। उस विचारधारा को आगे लेकर ही लोगों में जाया जाता है और लोगों को उस विचारधारा से अवगत कराया जाता है, जिससे कि वो एक अच्छे भारतवासी, एक अच्छे नागरिक बनकर देश की उसमें प्रोग्रेस में, देश के आगे बढ़ाने में सहयोग कर सके। सबसे पहला पब्लिक स्पीकिंग, आपके अंदर हीन भावना और हेजिटेशन जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब बहुत सारी जनता आपके सामने खड़ी होगी तो अपनी बात आप बहुत अच्छे से उस पर रख पाएं, बिल्कुल एकदम डिटरमाइंड होके। तो आपके हाथ में माइक होगा तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है किसी से। कई बार मैंने देखा है कि कई लोग घबरा जाते हैं और अपनी बात ढंग से नहीं रख पाते, तो आपके अंदर एक ऐसा स्किल होना चाहिए कि आप अच्छे से अपनी बात पूरी जनता को बताएं। सबसे पहले तो पॉजिटिव यह है कि आप जनता का भला कर रहे हैं, अपने क्षेत्र का भला कर रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में आप भागीदार बने हैं। सबसे बड़ी अपनी आपको संतुष्टि यह होती है। दूसरा, पार्टी के साथ साथ आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो कई लोग आपको मिलते हैं, पार्टी बहुत बड़ी पार्टीज होती है वो उसमें आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, कई दार्शनिक लोग मिलते हैं, कई समझाने वाले व्यक्ति मिलते हैं, जिससे कि आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। दूसरा, मैं आपको ये बताता हूं कि जब आप नेता बनते हैं तो आपको कोई शेड्यूल इसमें नहीं है, कोई इसमें टाइम नहीं है। आपको आधी रात को भी अगर किसी को प्रॉब्लम्स हैं तो आधी रात को भी आपको उठ के जाना पड़ेगा। जैसे कि हमारा देहरादून है, यहाँ पर हर क्षेत्र लगभग लगभग आपदा का क्षेत्र है। पिछले साल बरसातों में एक स्कूल के पास दीवार गिर गई थी, उनके बच्चे और बर्तन पानी में बह रहे थे, और रात को उन्होंने कई लोगों को फ़ोन किया लेकिन कोई नहीं गया। और मेरे को रात को उन्होंने फ़ोन किया, रात को 2 बजे, मैं रात को 2 बजे तुरंत वहाँ पहुँचा और उन लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश करी, NDRF को फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया, मौके पे पुलिस आई और उन सबको एक सुरक्षित जगह पे पहुँचाया गया। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर आपका टाइम है, कभी भी आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है, आपको डिबेट में जाना पड़ सकता है, आपको धरने प्रदर्शन में जाना पड़ सकता है, आपको घेराव, भूख हड़ताल या आपको किसी की मदद के लिए कभी भी खड़ा होना पड़ सकता है। ये राजनीति है। सुबह ऑफिस आता हूं तो कई लोग, पार्टी के कई नेता मुझसे मिलने आते हैं, कई लोग ऐसे आते हैं जिनको पास नौकरी नहीं है, जिनके पास कोई काम अटका हुआ है, जिनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तो हम सब लोग उनकी सुविधाएं को प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने की जो रणनीति है, आगे क्या करना है, उस पर विचार विमर्श करते हैं।
ये सब कुछ सुबह शाम तक ही चलता है, फिर फोन कॉल्स होते रहते हैं, इस तरीके से राजनीति चलती है। और अब अंत में मुझे उम्मीद है कि पॉलिटिक्स के बारे में, राजनीति के बारे में मैंने एक पॉजिटिव व्यूज आपको दिया होगा उसके लिए, और आपको समझ आएगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।